तो गाइज मेरे पिछले वीडियो में आपने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो उसी में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर अपडेट के बाद, जो अपडेट हुआ है उसके बाद हम जूम ऐप पे फोटो नहीं लगा पा रहे थे। दोस्तों उसकी सिंपली से मैं आपको पूरी खुलासा करने वाला हूँ, किस तरह से आप उसमें अपडेट के बाद आप उसमें अपना फोटो लगा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने अपने जूम ऐप को अपडेट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद ही आपको मैं बताता हूँ आपको किस तरह से उसमें अपने फोटो को लगाना। सिंपली से मैं अपने जूम ऐप को आपके सामने अपडेट करके दिखाऊंगा। अब देख सकते हैं कि मेरा जूम ऐप अभी अपडेट नहीं है। अब मैं आप देख सकते हैं मेरा 35 एमबी का अपडेट आया हुआ है। मैं इसे सिंपली से अपडेट कर लेता हूं, उसके बाद आपको मैं बताता हूं। तो मेरा अपडेट पहले होने दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है पूरी तरह से अपडेट होने ही वाला है। अब ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही इंस्टॉल होता है मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरह से अगर आपका नहीं होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से जाकर के मुझे वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ ज्वाइन होने के बाद में आप मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कॉल के साथ बात कर सकते हैं, या फिर अपने स्क्रीन शॉट की मदद से आप मुझे बता सकते हैं मेरे में आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हैं मेरा जूम ऐप अब यहाँ पर पूरी तरह से मेरा जूम ऐप अपडेट हो चुका है। मैं सिंपली आपको इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसे ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से काम करना है, आपको किस तरह से क्या करना है। मैं बताया हूँ कि आपको इसमें फोटो लगाने के लिए आपने साइन इन करना पड़ेगा या फिर साइनअप करना पड़ेगा। साइन इन और साइनअप के बारे में पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको इन दोनों ऑप्शन में से आपको सिंपली से यहाँ पर साइन इन के ही ऑप्शन पर टैप करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन इन के ऑप्शन पर टैप करना है। इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगा, आप उस ईमेल आईडी का यूज कीजिए जो आपका ईमेल आईडी इसमें पहले लगा चुका है। अगर आपका पास ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी नहीं है, आपको फिर से लॉगिन करना है। तो आपके सामने मैं एक बार बता देता हूँ, आपका सामने उसी तरह का तीन ऑप्शन अभी भी आपको देखने को मिल रहा है, SSO और फिर गूगल फेसबुक, इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपको मैं जितना बार बताया हूँ आप हमेशा गूगल से लॉगिन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ गूगल से आप लॉगिन कीजिए। जिस तरह से आप यहाँ पर गूगल पे टैप करते तो आपका सामने एक बार जो लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद मैं आपका ईमेल आईडी, जितने भी आपका फोन में ईमेल आईडी, मेरे जितने भी फोन में ईमेल आईडी है वो सारे ईमेल आईडी मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने ईमेल आईडी किसी भी एक ईमेल आईडी आपका जो है आप मैं एक ईमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। जैसे ईमेल आईडी को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद फिर आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो भी मेरा खुल करके आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, इसी में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसी में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपको करना क्या है, डेट ऑफ बर्थ में आप इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालिए कि आप 18 साल से ऊपर के लगे। तो आपका मंथ में कोई सा भी जनवरी डाल दीजिए, कोई भी मंथ आपको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डे में आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन जो आपका ईयर आता है, अब ईयर में हमेशा 2020 चल रहा है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, 2000 यहाँ पर सिंपली से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर 100, जैसे मेरे 2000 सेलेक्ट कर लिए हैं। तो 2000 में सेलेक्ट करने के क्या होता है, अभी मैं 20 साल का हो गया हूँ अगर मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को 2000 सेलेक्ट करता हूँ तब। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना है। इतना टैप कर देने के बाद में क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन आता है, इस पर टैप कर दीजिए, आपका एक अकाउंट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉन्च करने का ऑप्शन आता था, उसमें कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तो सिंपली से आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आता है, यहाँ पर सिंपली से सेटिंग पे टैप कर दीजिए। और यहाँ पर मेरा देख सकते होंगे एक बार एक कमेंट में, मतलब एक व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि सर मैं अपना फर्स्ट लेटर को किस तरह से अपने जूम ऐप के फोटो पर लगा सकता हूँ। देख सकता हूँ मेरे यहाँ पर एस लिख करके आया हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते होंगे एस लिख करके आया हुआ। एस लिख करके क्यों आया हुआ है, क्योंकि मैं जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया था उस ईमेल आईडी में एस से ही कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुआ है उस नाम। तो यहाँ पर से आपका फर्स्ट लेटर इस तरह से शो होता है। अब यहाँ पर देख सकते होंगे कि इसमें फोटो लगाने के लिए आपको सिंपली से इसमें जाना पड़ेगा। इसमें जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर फोटो को आइकन को इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप कर लेने के बाद में यहाँ पर टेक फोटो चूज फोटो करके ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर से आप चूज फोटो पे जाइए अपना गैलरी में, और गैलरी में जाकर के कुछ भी एक फोटो लगा देता हूँ, जिससे कि आपके उदाहरण के लिए आप देख सकते होंगे मैं एक फोटो को यहाँ पर से लगा देता हूँ। इस तरह से करके आपको मैं उदाहरण के लिए एक बात बता दे रहा हूँ कि आप फोटो यहाँ पर किस तरह से लगा सकते हो। मेरा फोटो यहाँ पर देख सकते होंगे, मेरा फोटो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये फोटो मेरा यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से आप अपना फोटो को लगा सकते हो।